यस फ्रेंड्स, आज जो एपीडीसीएल का ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे गए थे। उनमें से 50 एमसीक्यूज का आंसर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। बाकी जो 50 एमसीक्यूज रह गए थे, उन 50 एमसीक्यूज का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल वे टू गपचप को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा है, देखिए, इन ए फ्लो चार्ट एरो डिपिक्ट्स, तो इन ए फ्लो चार्ट एरो डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, 200 rupees डैश टू मच फॉर द रूम। तो 200 rupees इज टू मच फॉर द रूम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहां पर एक नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोल रहे थे कि ही आस्क्ड वेदर सच थिंग वाज पॉसिबल। द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ही आस्क्ड इज सच थिंग पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे, गोयत्री इज एसोसिएटेड विथ, तो गोयत्री इज एसोसिएटेड विथ, ये एक बीमारी का नाम है, तो और ये एसोसिएटेड है आपका थायराइड ग्लैंड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहां पर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोल रहे थे कि जदु एंड मधु आर टू फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे इन नॉन लीप ईयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 364/365। तो यहां पर बोथ विल हैव डिफरेंट नावल के अगर सेम पूछा जाता तो इसका आंसर होता आपका ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे, देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट, तो इनमें से ऑड वन कौन सा है? तो इनमें से आपका रॉबर्ट ऑड वन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एरोगेंट इज टू बोस्टफुल एज कॉशियस इज टू, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केयरफुल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वी ऑलवेज सी द लाइटनिंग फास्ट बिफोर द थंडरिंग साउंड बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लाइट हैज मोर वेलोसिटी देन साउंड दैट ऑफ साउंड वेव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट, इनमें से कौन सा ऑड है आपको आउट करना है? तो इनमें से आपका कंजम्पशन ऑफ टोबैको, ये आपका ऑड वन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। देखिए, पहला में बोल रहा है, देखिए, गिव दिस मिल्क इन द ग्लास टू द बॉय, सो गिव द लिटिल मिल्क, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही इज लायबल, सो ही इज लायबल फॉर आएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, माइकल लाइव्स देश इंग्लैंड, तो माइकल लाइव्स क्योंकि ये कंट्री का नाम है तो इसमें आएगा आपका इन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही एक्विस्ट मी देश टिफ्ट, तो ही एक्विस्ट मी ऑफ आएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द शिप वॉज बाउंड देश इंग्लैंड, तो द शिप वॉज बाउंड फॉर इंग्लैंड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही रन देश द रोड, तो ही रन अक्रॉस द रोड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ एंशियंट, एंशियंट का ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो एंशियंट का ऑपोजिट वर्ड है आपका मॉडर्न, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए टीचर डैश फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, सो ए टीचर शुड बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शेक्सपियर लिव्ड डैश स्टार्टफोर्ड ऑन अबॉन देश इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ये कंट्री का नाम है तो इससे पहले इन लगेगा और इससे पहले एट लगेगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट ए मोशन पाथ इन पावरपॉइंट, पावरपॉइंट में जो मोशन पाथ होता है वो एक्चुअली क्या है? तो वो एक एनिमेटेड एंट्रेंस इफेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हिच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन नेटवर्क, इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया का हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है नेटवर्क में? तो इनमें से आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका सबसे ज्यादा स्पीड रहता है नेटवर्क में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम व्हिच इज लाइक ए वायरस इन दैट रादर देन क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ ऑन ओनली वन सिस्टम इट प्रोपागेट्स
थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज इट कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी ओर्म. नेक्स्ट द ग्रेट बाथ वॉज फाउंडेड, तो द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट मोहनजोदड़ो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट सर्तेबरी इज फेमस फॉर, तो सर्तेबरी इज फेमस फॉर बेल मेटल इंडस्ट्री, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स, मध्य प्रदेश कितने स्टेट्स के साथ उसका बाउंड्री शेयर किया है, तो मध्य प्रदेश टोटल 5 स्टेट्स के साथ उसका बाउंड्री शेयर किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट हु रोट हर्ष चरित्र, हर्ष चरिता का राइटर कौन है, तो हर्ष चरिता का राइटर है आपका बनभट्टा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बनभट्टा, ऑप्शन डी बनभट्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे देश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, तो इसमें आएगा आपका स्पाईवेयर स्कैम्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा होता है, तो विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स है आपका एग, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट द स्तूपा ऑफ सांची, द स्तूपा ऑफ सांची वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी अशोका, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट शी प्रिफर्स मिल्क डेस्टी, सो शी प्रिफर्स मिल्क टू टी, मिल्क टू टी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट टेक केयर लेस्ट यू, तो लेस्ट यू यहाँ पर कौन सा आएगा, फॉल आएगा, क्योंकि लेस्ट के अंदर ही यहाँ पर नॉट वर्ड रहता है, तो नॉट इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो नॉट नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सी नहीं है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट ए सुमन डैश बिन सर्व्ड ऑन यू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है आएगा. नेक्स्ट गैलीलियोस टेलीस्कोप डिस्कवरीज वेयर हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर देखिए ओएन है और यहाँ पर बी यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा टी आई, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट मॉथ इटन, तो मॉथ एक नाउन है और इटन एक बार्ब है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी. नेक्स्ट एक्सट्रीमली ओल्ड इज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डोटेज, उनको डोटेज कहा जाता है. नेक्स्ट इवन ए डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्टरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्सरी. नेक्स्ट ए नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस एनक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंट थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड, तो उसका नाम है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, BPI शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, तो ये है आपका अरबियन सी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड लोताल, लोताल का डिस्कवर्ड किसने किया था, तो लोताल का डिस्कवर्ड किया था आपका डॉक्टर SR राव, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम व्हिच सपोर्ट लाइफ इज, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी अर्थ. ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल्स, तो बॉय गर्ल्स का क्या है, तो बॉय गर्ल्स का ब्रदर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का सिनोनिम वर्ड कौन सा है, तो आइडेंटिटी का सिनोनिम वर्ड है आपका रिकॉग्नाइज, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए टू परफॉर्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस राजूकास वेयर अपॉइंटेड बाय अशोका, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहां पर राजूका को अपॉइंट किया था अशोका ने. नेक्स्ट माधव दबा वॉज एडुकेटेड बाई इन स्कूल, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी श्री शंकर दबा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखिए बोल रहे हैं देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअली अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग कर नहीं सकते, तो ये एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है. आप लोगों के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट प्लेड बाई यूजिंग अ बॉल, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए वॉलीबॉल इज कॉल्ड हॉकी, बैडमिंटन इज कॉल्ड वॉलीबॉल, तो बैडमिंटन इज कॉल्ड वॉलीबॉल, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो अगर आप ट्री को ड्रॉ करेंगे तो मैं ट्री को ड्रॉ करके देखा, इसका करेक्ट आंसर 100% करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी डॉट अप. नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये रॉन्ग क्यों है, देखिए यहाँ पर देखिए
यहां पर गोपो इस कोडिंग में, यहां पर गोपो इसमें भी है, इसमें भी है गोपो, दैट मीन दो कोड यहां पर कॉमन है, पर यहां पर देखिए सिर्फ लुक्ड कॉमन है, दो वाट तो नहीं कॉमन है, तो दैट मीन्स ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर कोडिंग जो किया गया है ये पूरा सा रॉन्ग कोडिंग किया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो के नीचे अगर कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों के हिसाब से गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर भी करिएगा और अपना रीजन भी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।